गाइस च्वाइस फिलिंग के बाद आप बहुत सारे मिस्टेक करने वाले हैं। च्वाइस फिलिंग में ही मिस्टेक करेंगे, वह सारे मिस्टेक को ना करें, उस पर्पज से यह वीडियो हम बना रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटेड वीडियो कोई नहीं देगा। तो चलो आज हम बात करते हैं प्लेसमेंट रैंक और जेईई मेंस परसेंटाइज को देखकर हम कॉलेज के बारे में कुछ जानकारी देते हैं, जो जानकारी हर यूट्यूब वीडियो से बेहतर होगा, इसलिए वीडियो पूरा अंतिम तक देखना। कुछ बोरिंग लगे तो सॉरी, बट पूरा देखना। चलो तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो अगर 80 से आपका 98 तक है परसेंटाइज, तो आपका MIT मुजफ्फरपुर हो गया फर्स्ट कॉलेज, सेकेंड हो गया BCE भागलपुर, और थर्ड हो गया BCE बख्तियारपुर, फोर्थ हो गया आपका DCE दरभंगा, और फिफ्थ हो गया मोतिहारी। यह सारे कॉलेज आपके लिए बेहतर है। अब किस किस कैटेगरी से, तो देखो यार यहाँ पे प्लेसमेंट बेहतर होता है, दूसरी बात कि यहाँ पर रैंक भी कटअप अच्छा खासा जाता है, और तीसरी बात कि जेईई मेंस परसेंटाइज का कटअप यहाँ पर हाई रहने वाला है, और इस कैटेगरी में आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा दूसरे कॉलेज में नहीं जा सकते हैं, लेकिन यह कॉलेज में आप जा सकते हैं, बाकी सभी कॉलेज में आप जा सकते हैं, क्योंकि आपके परसेंटाइज अच्छा है। अब बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हैं। तो MIT मुजफ्फरपुर में सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, IT हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले लेथर टेक्नोलॉजी हो गया। अब यहाँ पर आप अगर 70 से 80 भी है तो आपका मैकेनिकल मिल जाएगा और लेजर टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, बट आपका सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद में IT ब्रांच हो गया, उसमें 80 से 98 के बीच होगा तभी मिलेगा। अब बात करते हैं भागलपुर कॉलेज में, तो भागलपुर कॉलेज में आपका मैकेनिकल हो गया और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 70-80 जाएगा, बट और सब कोर्स में आपका 80-98 चाहिए। यहाँ पर कोर्स आपको सिविल होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होता है, और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होता है। यह कॉलेज बहुत ही बेहतर है प्लेसमेंट के मामले में और कैंपस के मामले में। अब बात करते हैं हम BCE बख्तियारपुर, यहाँ पर सिविल है, कंप्यूटर साइंस है, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, फायर टेक्नोलॉजी है, उसके बाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पर कट ऑफ लो जाएगा, यानी कि आपका 70-80 भी जा सकता है। आगे बात करते हैं DCE दरभंगा कॉलेज भी बेहतर है, और प्लेसमेंट के मामले में भी और उसके कैंपस के मामले में भी। बात करते हैं यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग होता है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल होता है, मैकेनिकल होता है, और फायर टेक्नोलॉजी होता है। आगे बात करते हैं MCE मोतिहारी, सिविल होता है, कंप्यूटर साइंस होता है, मैकेनिकल होता है, और सिविल प्लस कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, उसके बाद में सिविल प्लस कंप्यूटर एप्लीकेशन AI भी होता है। तो यह सारे कोर्स होते हैं और यहाँ पर प्लेसमेंट बेहतर होते हैं, और यहाँ पर कटअप जाने वाला है 80 से लेकर 98 में। अगर च्वाइस फिलिंग आप करते हैं तो यह सारे कॉलेज को ऊपर रखिएगा, क्योंकि यह कॉलेज में प्लेसमेंट बेहतर होती है, और इस कॉलेज को ऊपर रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका प्लेसमेंट के मामले से कोई भी व्यक्ति आजकल पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, जॉब के लिए। तो जॉब अगर करना है बहुत जल्द तो यह कॉलेज से पढ़ाई करना और एजुकेशन बढ़ाना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं वहीं आपका लास्ट कॉलेज है 6 नंबर पर गया इंजीनियरिंग कॉलेज। तो गया इंजीनियरिंग कॉलेज पर आपका कंप्यूटर साइंस हो गया, उसके बाद में मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, यह सारे ब्रांच में आप एडमिशन ले सकते हैं। अब 70-80% आया तो क्या करेंगे, 70-80% आया तो इन सभी कॉलेज के लिए फर्स्ट चॉइस करें, क्योंकि फर्स्ट चॉइस अगर यह सारी सीरीज में करते हैं तो आपको ज्यादातर चांस है फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलेगा और बेहतर कॉलेज मिल जाएगा। बात करते हैं फर्स्ट सीतामढ़ी NCE चंडी जो नालंदा में है, उसके बाद में पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज, सहरसा इंजीनियरिंग कॉलेज, और LNJPTI छपरा। तो यह सारे कॉलेज में इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन है, सिविल है, कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल है, और फूड टेक्नोलॉजी भी है कुछ में। तो यह सारे कोर्स में आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। कोर्स का सिलेक्शन खुद करें, पर परसेंटाइज आपका बोर्ड सिलेक्ट करेगा, उसके बाद में आपका कटअप बोर्ड करेगा, लेकिन कोर्स का सिलेक्शन खुद से करें क्योंकि आपको करना है। और देखो जॉब यहाँ भी बेहतर है, जॉब की वैकेंसी ऐसा नहीं है कि कोई ब्रांच में कम है, यहाँ पर सभी में सही है। लेकिन अब बात करते हैं अगर मैकेनिकल करना है तो बेहतर कॉलेज से करो, इलेक्ट्रिकल करना है तो बेहतर कॉलेज से करो, जहाँ पर परसेंटाइज कम जा रहा है लेकिन बेहतर कॉलेज है, तो आप लोअर कॉस्ट का भी अगर
आप कोर्स करते हैं तो उसमें भी प्लेसमेंट आपका बेहतर हो जाएगा। जैसे में मैकेनिकल अगर आप MIT से करते हैं तो वहाँ पर प्लेसमेंट हाई होता है और वहाँ से अच्छा है, मैकेनिकल भी अच्छा है, लेदर टेक्नोलॉजी भी अच्छा है। आगे बात करते हैं 60-70% आ जाए तो इस कॉलेज में एडमिशन लेना बहुत जरूरी है। और इस कॉलेज को फर्स्ट राउंड में अगर चाहते हैं कि आपका नाम आ जाए तो यह सारे कॉलेज को ऊपर रखें। जैसे में आपका SCE सासाराम हो गया, उसके बाद में RTDE बेगूसराय हो गया, उसके बाद में KCE कटिहार हो गया, उसके बाद में सुपौल इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, उसके बाद में मधुपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया। यह सारे कॉलेज में आपका 60-70% जाएगा और इसमें कोई भी ब्रांच में आप एडमिशन ले सकते हैं। ब्रांच का इन्फॉर्मेशन आप खुद से अपने मन अनुसार सिलेक्ट कीजिएगा, उसमें हम कोई दबाव नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ब्रांच आपके पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है, आपके शौक के ऊपर डिपेंड करता है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी तो कट ऑफ की बारे में बात करें तो कट ऑफ इतना आ जाएगा। अब कहेंगे कि भैया मैकेनिकल की बारे में बात करें तो मैकेनिकल में आपका 70% आई है तो आप MIT में कर दें, उसके बाद में फर्स्ट कॉलेज MIT डाल दें, सीरीज एक बना ले। उसके लिए हमने ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, वह सारे ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको सिंपल सा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां पर जाकर कमेंट करें या सिंपल सा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करें, हम उस ग्रुप में जोड़ देंगे। अब बात करते हैं अगर आपका आता है 50-60%, तो अगर फर्स्ट राउंड में आप कॉलेज चाहते हैं तो इस कॉलेज में आप अप्लाई करें, चॉइस फिलिंग करें। तो बात करते हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नवादा हो गया, उसके बाद में अररिया इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, उसके बाद में मधुबनी हो गया, उसके बाद में बक्का हो गया, मुंगेर हो गया। यह सारे कॉलेज में फर्स्ट राउंड में आपको 50-60% आ जाएगा। आप सिविल में जाइए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाइए, मैकेनिकल में जाइए, कंप्यूटर साइंस में जाइए, बट यहाँ पर आपका लोएस्ट किस ब्रांच में जाता है तो मैकेनिकल में जाता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाता है। तो उस स्कोप में आप कम परसेंटाइज पर भी जा सकते हैं, उसके लिए आप सिंपल सा व्हाट्सएप पर डिस्कस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 40-50% है, यानी कि 40-50% आया है तो क्या करें। तो 40-50% आया है, प्लेसमेंट अच्छा चाहिए, जॉब अच्छा चाहिए, आपको अच्छे एजुकेशन चाहिए, और किस कॉलेज में जाए तो सबसे पहले आपको AGIDT पटना आता है जिसमें डेयरी टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, उसके बाद में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वेस्ट चंपारण आता है, उसके बाद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जहानाबाद आता है, उसके बाद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बक्सर आता है, उसके बाद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जमुई आता है, उसके बाद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आपका लखीसराय आता है, उसके बाद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कैमूर आता है। ये सारे कॉलेज में आप मैकेनिकल कर सकते हैं, उसके बाद में सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं 40-50% पर भी। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के जो परसेंटाइज है वह हाईएस्ट भी जा सकता है, बाकी सभी ब्रांच में आपका यही रहेगा। मैकेनिकल की बात करें तो लोएस्ट भी जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 30-40% आए तो इस कॉलेज को फर्स्ट राउंड में अगर चाहिए तो मिल सकता है। तो फर्स्ट राउंड में जैसे मैं किशनगंज हो गया, उसके बाद वैशाली हो गया, समस्तीपुर हो गया, भोजपुर हो गया, खगड़िया हो गया, गोपालगंज हो गया, यह सारे कॉलेज अगर चाहिए फर्स्ट राउंड में तो आप सिलेक्ट कीजिए, मिल जाएगा 30-40% पर। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रांच आपका सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद में आपका कंप्यूटर साइंस हो गया, कंप्यूटर साइंस के परसेंटाइज कुछ हाई जाएगा, इसके लिए आपको सिलेक्ट नहीं करना है। नेक्स्ट बात करते हैं 20-30% फिर भी आपको कॉलेज मिलेगा, वह कौन कौन सा कॉलेज है। जैसे में सिवान इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, उसके बाद में शेखपुरा हो गया, उसके बाद में आपको वैशाली का जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें जा सकते हैं, उसके बाद में बौद्ध इंस्टीट्यूट जो गया का है वो प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पर भी 20% पर भी जा सकते हैं, उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम में, यह सारे कॉलेज आपको 20-30% पर भी उठा लेगा कटअप। तो अब देखिए यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज की बात है तो प्राइवेट कॉलेज में ना एडमिशन ले तो ही बेहतर है, क्योंकि अगर एडमिशन लेते हैं तो पछताना खुद को पड़ेगा, क्योंकि बिहार में रहकर 4 लाख पेड करना बहुत मुश्किल है यार। फिर बात करते हैं मिस्टेक क्या क्या करते हैं, तो मिस्टेक करने का तरीका आपको यहाँ पर बहुत बेहतर बनने वाला है। जैसे में आपका चॉइस फिलिंग टाइम मिस्टेक करना, जैसे हमने कैटेगरीज बताया कि 90% 80-90% है तो इस कॉलेज में अप्लाई करो, अगर 70-80% है तो इस कॉलेज में अप्लाई करो, 60-70% है तो इस कॉलेज में, तो उस अनुसार से फर्स्ट राउंड में अगर कॉलेज चाहिए
आपको तो ऐसे अप्लाई करना, क्योंकि च्वाइस फिलिंग का यह ट्रिक है। और जिस ट्रिक को एक काउंसलर आपके साथ शेयर नहीं करता है, बट हमने शेयर किया, तो चैनल को नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। आगे क्या होता है, आगे मिस्टेक होता है गर्ल्स लोग से। गर्ल्स क्या करते हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप सही से देखना, और अगर गर्ल्स हैं अच्छे से देख रहे हैं तो इस बात को ध्यान देना, क्योंकि आप आउट एरिया में अगर एडमिशन लेते हैं तो आप वहां पर बार बार अप डाउन नहीं कर पाएंगे, या आउट एरिया में एडमिशन लेंगे तो आपको रहने में दिक्कत होगा, कोई भी मार्केटिंग करने में दिक्कत होगा, और हर चीज में प्रॉब्लम होता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व एक ही तरीका से कर सकते हैं, अभी आपको च्वाइस फिलिंग का टाइम है तो च्वाइस फिलिंग ध्यान से करें, क्योंकि आप उसी एरिया में एडमिशन लें जिस एरिया को आप बेहतर ढंग से जानते हैं, जो आपको शहर एरिया में उस कॉलेज का पॉइंट आता है। नेक्स्ट वे गलती क्या होता है, तो 30% वाले ध्यान से देना, आप हाई फाई कॉलेज को फर्स्ट में नहीं डालना, नहीं तो आपको जो सिलेक्ट होने का चांस है वो भी कम हो जाएगा। तो आप उस कॉलेज को ज्यादातर पहले डालने की कोशिश करना, जहां पर परसेंटाइज कम जाता है तो फर्स्ट राउंड में ज्यादातर मिलने की कोशिश है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो सभी को लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों में शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो इससे भी दमदार आने वाला है, और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आएगा आप सभी कमेंट कर देना।